जी हमारे पास एक इन्वर्टर आया है रिपेयर होने के लिए, जो कि है ये साइन वेव और 5 KVA कैपेसिटी है, 96 वोल्ट है, 8 बैटरी यूज किए जाते हैं 12-12 वोल्ट के। तो ये सीरीज में इसके 96 वोल्ट कंप्लीट होते हैं, और इसमें प्रॉब्लम था ये इन्वर्टर मोड इसका काम नहीं कर रहा था, केवल मेंस इसमें काम कर रहा था। इसमें हमने देखा इसका कंट्रोल बोर्ड फाट था, तो इसको हमने जो है रिप्लेस करने का सोचा। उसके बाद रिप्लेस किया और फिर एक प्रॉब्लम आया पावर बोर्ड में। पावर बोर्ड में जब हम देखे और इसको इसके IGBT को देखे और जो इसकी डिज़ाइन को देखे और इसके टाइम ड्यूरेशन को देखे, जो यूज करने का ये टाइम ड्यूरेशन था इसमें, क्या नाम है, कॉलेज में, कि जितने टाइम से ये लगा हुआ है उस हिसाब से ये कितने बार फॉल्ट हुआ और क्या क्या फॉल्ट हुआ, तो उसमें हमने जो है बहुत कुछ इसमें सर्च आउट किया है, जो कि हम फिर कभी आपको बताएंगे इसमें। और मैंने इसका फुल मेंटेनेंस किया है, जो भी पॉइंट ज़रा सा भी कटा पिटा कहीं भी था ये मैंने पूरा एकदम कंप्लीट किया है। आगे का डिस्प्ले अभी मेरे पास आया नहीं है, वो जैसे आ जाएगा उसे चेंज कर देंगे। बाकी PCB से लेकर पावर बोर्ड तक मैंने इसके सारे टेस्टिंग एकदम क्लियर कर लिए हैं। अब इसमें ख़ास बात क्या है, चलिए हम आगे आपको बताते हैं। इसमें अक्सर फ़ैन फॉल्ट होता है, जो कि सब लोग जानते होंगे, ये नॉर्मली है, क्योंकि फ़ैन डस्ट के वजह से जो है अक्सर जाम हो जाते हैं या चलते चलते उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। इसमें एक AC फ़ैन यूज़ किया गया है जो 220 से 240 वोल्ट है। अब ये जब सिस्टम काम करता है तो उस समय ये रन मोड में हो जाता है। अब यहाँ पर हम दिखा दें, ये जो मैं यहाँ पे ओपन करके देखा, इसका जो पावर कार्ड में प्रॉब्लम था, इसमें 2 IGBT यूज़ किए गए हैं, और दोनों IGBT ड्यूअल हैं, यानी ड्यूअल मतलब हुआ दो, एक ही IGBT में दो हैं। दो का मतलब हुआ कि अगर दो कंडीशन देखा जाए तो ड्यूअल होने के कारण इसमें 4 IGBT माना जाएगा, ठीक है। ये कैपेसिटर एक एक IGBT पे ऊपर से लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम इसको टाइट कर देते हैं और उसके बाद दिखाते हैं, क्योंकि सेट इस समय ओके है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, बैकअप को लेकर भी प्रॉब्लम आता है, चार्जिंग को लेकर भी प्रॉब्लम, जैसा कि हमने देखा है वो भी आते हैं। अब इसमें हमने देखा है कि जो भी डिजाइनिंग किया है उस समय के अनुसार, क्योंकि अगर टाइम देखा जाए तो करीब 12 साल मान के चलिए, 11-12 ईयर्स ओल्ड ये वर्जन है। इस समय ये जो है नए वर्जन में नहीं है, ये पुराने वर्जन में है, लेकिन ये अपनी ड्यूटी जो है अच्छा दिया है डिजाइन के हिसाब से, ठीक है। जो चीज़ सही है वो कोई भी कंपनी हो उसे कहना पड़ता है। और जो हाई कैपेसिटी के इन्वर्टर होते हैं वो फॉल्ट भी कम होते हैं, बहुत रेयर केस में फॉल्ट होते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूरेबिलिटी और हर चीज़ जो है बहुत केयर करके डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, क्योंकि उनकी एक लॉन्ग लॉन्ग ड्यूटी उनको हैंडल करना होता है, तो कभी धोखा ना दे जाए बीच में, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को बहुत केयर किया जाता है। अब इस समय जो भी आपको इधर आने वाले समय में मिलेंगे वो हमारे छोटे इन्वर्टर समझ लीजिए मार्केट से गायब भी हो जाएंगे आने वाले समय में। देखिएगा जहाँ सिंगल बैटरी यूज हो रहा है जहाँ पे डबल होगा, जहाँ पे 1,000 यूज हो जा रहा है वहाँ पे 2-2,000 यूज होगा, क्योंकि हमारे और भी कैपेसिटी, जैसे घर में यूज होने वाले जो डिवाइसेस हैं उनके भी कैपेसिटी बढ़ेंगे, उनके भी आवश्यकता के अनुसार बैकअप भी है, क्योंकि लाइट का जो इस समय सिचुएशन है वो चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इससे इसलिए इन्वर्टर में बहुत सारे बहुत तेज़ी से बदलाव आने वाले हैं, जो ये पुराने टेक्नोलॉजी हैं ये आउटडेटेड हो जाएंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपको इससे बेटर रिस्पांस मिलेंगे, इससे छोटे ट्रांसफार्मर, इससे बेटर सर्किट, इससे बेटर डिज़ाइन, इससे बेटर बैकअप, और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इस लेटेस्ट डिज़ाइनों में देखने को मिलेंगे। तो आज हमने जो है इसमें देखा कि ये जो IGBT है ये कहाँ का बना हुआ है, तो इसमें हमने ध्यान दिया। तो अभी आपको मैं आप दिखाते हैं कि जैसे देखिए ये 2 IGBT है, और यहाँ नीचे इसके नंबर दिखाते हैं, ये मित्सुबिशी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये जापानीज जापान का है, और ये इतने सालों बाद जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम आया है। तो इससे ये क्लियर होता है कि इसकी जो लाइफ है
इस कंपनी का, इस IGBT का, ये बहुत ही मतलब मस्त है और बहुत ही अच्छा है, बेटर है। तो इसलिए हमने इस चीज़ को देखकर और आपको, आपके साथ इस बात को शेयर किया है, ठीक है। और बाकी इसकी जो भी डिजाइनिंग है और जो रिस्पांस है, हमने जो है इसे नोट किया है। फिलहाल इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने की भी ज़रूरत है और वो हम सारी चीज़ें हम क्लास में देते हैं। तो हम ऑनलाइन जो क्लास है हमारा, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में क्लियर मिलेगा। जैसे इस समय देखिए ये कि जितने हाई कैपेसिटी के इन्वर्टर हैं उसमें रिले भी नहीं यूज होते हैं, ठीक है। उसमें रिले के जगह पे क्या लगाया जाता है, वो कैसे काम करता है और कैसे हमारे जो IT लेवल के जो भी डिवाइसेज हैं, जैसे कंप्यूटर हुआ या और सारी चीज़ें हुई, लाइट के ट्रिपिंग से उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। किस पे जो लाइन हमारा जो ट्रांसफ़र होता है इन्वर्टर से AC और AC से इन्वर्टर पे, यानी ग्रिड की सप्लाई और इन्वर्टर की सप्लाई दोनों के बीच का। तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा है, जो भी डिज़ाइन किया है वो बेटर किया है उस समय के अनुसार, क्योंकि ये साइन वेव है तो उस समय के अनुसार आज 10 साल 11 साल पहले एक अच्छा डिज़ाइन करने की कोशिश की गई है। फिलहाल इस समय तो बहुत सारे ऐसे ऐसे सामने आएंगे आपको कि इसमें टेक्नोलॉजी में काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगे।